हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 2 लोक प्रशासन के अंतर्गत FW टेलर की एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंध, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में एक वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत नई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आया, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण उन जटिल संगठनों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास है, जो औद्योगिक विकास के परिणाम के रूप में प्रकट हुआ है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर या FW टेलर को साधारणतया वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के मार्गदर्शक रूप में माना जाता है, जिसने आधुनिक प्रबंधन दृष्टिकोणों और तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। इंजीनियर के रूप में टेलर टेक्नोलॉजी के विकास में सहायक रहा है। उसने उत्पादन बढ़ाने के लिए कई औजारों का आविष्कार किया। जिन औजारों को टेलर ने विकसित किया, उनमें कुछ महत्वपूर्ण है: कटिंग टूल, हीट ट्रीटिंग टूल, स्टील हैमर, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीनरी, बोरिंग और टर्निंग मिल्स आदि। वह सदैव प्रबंधन की तकनीकें सुधारने में रुचि लेते थे। उसने औजार विकसित करने के वैज्ञानिक तरीकों पर और कार्य निष्पादन के वैज्ञानिक तरीके पर भी जोर दिया। संगठन में काम की दक्षता और वैज्ञानिक तरीकों के प्रति उसमें उमंग थी। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण पर FW टेलर के महत्वपूर्ण विचारों को उसकी रचनाओं में स्पष्ट किया गया है। ए पीस रेट सिस्टम में उसने 3 मूलभूत सिद्धांतों पर गहराई से विचार किया है: कार्य पूरा करने के लिए समय, अध्ययन के माध्यम से कार्य का प्रेक्षण, कार्य पूरा करने के लिए मानक निर्धारित करने के लिए। दूसरा है पीस वर्क, पूरा करने के लिए भेददर्शी दर प्रणाली। और तीसरा, लोगों को भुगतान न कि कार्य को। अपने लेख साफ मैनेजमेंट पर सबसे उसने मूलतः अपना फोकस संगठन और कार्यशाला के प्रबंधन पर किया। उसने निम्न उत्पादन इकाई पर बनाए रखने और उच्च मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता पर विवेचन किया। इसके साथ ही अनुसंधान की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, कार्य दशा के मानकीकरण, प्रशिक्षण की आवश्यकता और कामगारों और प्रबंधक वर्ग के बीच सहयोग पर भी बल दिया। औद्योगिक प्रबंध पर फ्रेडरिक टेलर के लेखों तथा यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों से उनका प्रेरणा प्राप्त हुई। इन लेखों से ही समय और गति अध्ययन की तकनीकें, उत्पादन नियंत्रण और कार्यालय संगठन तथा कार्य रीतियां उदित हुई। ये तकनीकें अधिकतर संगठन के शारीरिक सिद्धांत से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रबंध ने विवेकशीलता, पूर्वानुमान क्षमता, विशेषीकरण तथा तकनीकी योग्यता पर बल दिया। इनके ध्यान के केंद्र बिंदु संगठन के भीतर कार्यशाला के स्तर पर डिजाइनों तथा उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रचलन था। टेलर से पूर्व भी कई लेखक थे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध तकनीकों का प्रयोग किया था, किंतु यह टेलर ही थे जिन्होंने सामान्य रूपरेखा प्रदान की ताकि वे तकनीकें अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके और स्वीकार की जाए। अतः उन्हें ठीक ही वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है।
वैज्ञानिक प्रबंध के चार नियम हैं जो उन्होंने दिए हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला नियम है सही कार्य विकसित करना। पहला बिंदु है सही कार्य विकसित करना, यानी मनुष्य के कार्य के प्रत्येक तत्व के लिए विज्ञान का विकास किया जाए जो काम चलाऊ तरीके का स्थान ले सके। दूसरा सिद्धांत है या दूसरा बिंदु जो टेलर ने दिया है वह है कामगारों का वैज्ञानिक चयन और उनका प्रगामी विकास, यानी कार्यकर्ताओं का चयन वैज्ञानिक ढंग से किया जाए और फिर उसे प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाए। जबकि इससे पूर्व कार्यकर्ता अपने काम को स्वयं चुनता था और फिर जहां तक कर सकता था स्वयं ही अपना प्रशिक्षण करता था। तीसरा सिद्धांत है कार्य विज्ञान और वैज्ञानिक तरीके से चुने गए कामगारों को साथ लाना। प्रबंधकों को चाहिए कि वे प्रसन्नता से कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करें ताकि सारा कार्य विज्ञान के उन नियमों के अनुकूल हो जिनका विकास उसने किया है। और चौथा है प्रबंधक वर्ग और कामगारों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का समान विभाजन। प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं के बीच काम और जिम्मेदारी का बंटवारा लगभग हो जाना चाहिए। प्रबंधकों को वह सारा कार्य अपने पास ले लेना चाहिए जिसके लिए वे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा अधिक योग्य हैं, जबकि अतीत में सारा कार्य और जिम्मेदारी का अधिक भाग कार्यकर्ताओं पर थोप दिया जाता था। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के दर्शन को केवल यंत्रवाद न मानकर कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मुख्य योगदान अमुक क्षेत्रों की तकनीकों में था, समय तथा गति का अध्ययन, विशेषीकरण, मानकीकरण, नियोजन तकनीकें, स्लाइड नियम तथा काम की बचत करने वाले अन्य औजार, कार्य सूचनाएं, काम करने के मानक, कामदर वेतन व्यवस्था पीस रेट्स वेज सिस्टम्स, माल तथा औजार वर्गीकरण व्यवस्थाएं और मूल्य लगाने के आधुनिक व्यवस्थाएं। टेलर ने औद्योगिक कार्यशाला तथा कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत स्तरों की कार्य प्रणालियों का गहन विश्लेषण करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था ताकि कार्यों को करने और उनके डिजाइन का एक सर्वोत्तम तरीका खोजा जा सके। उन्होंने जो कार्य किया उसे फैक्ट्री उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों की ओर आंदोलन ने जोड़ पकड़ा तथा कार्य कुशलता प्रबंधकीय सिद्धांत और व्यवहार के मार्गदर्शन का मापदंड बन गए। टेलर ने व्यावसायिक प्रबंध की आवश्यकता, कार्य प्रणालियों के वैज्ञानिक अध्ययन व डिजाइन और ऐसे लोकाचार को स्थापित करने पर बल दिया जो कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच हितों की पारस्परिकता का विकास करे। मोटे तौर पर उन्होंने प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं के व्यवहार में मानसिक क्रांति पर बल दिया। औद्योगिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक प्रबंध तथा कार्मिक प्रबंध के क्षेत्र में बहुत कुछ की शुरुआत सीधे उनके कार्य से हुई। आधुनिक उद्योग में विशेषज्ञ और प्रशिक्षित प्रबंधकों का वर्ग रखने की वर्तमान प्रथा की उत्पत्ति टेलरवाद से ही हुई। टेलर ने इस बात को विशेष महत्व दिया कि फैक्ट्री में प्रबंधकीय वर्ग होना चाहिए जो उसके चलाने में उसकी बुद्धिमत्ता या दिमाग का काम करे। टेलर ने अपने विशेष प्लांट में जो अव्यवस्था देखी वह उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उनके प्लांट में श्रमिक स्वयं यह निर्णय करते थे कि वे किन कार्य को प्रणालियों को अपनाएं और प्रत्येक कार्य को करने के लिए किन औजारों को चुने। वास्तव में इसका अर्थ यह हुआ कि श्रमिकों का प्रबंध नहीं किया जा रहा था, वे स्वयं ही अपना प्रबंध चला रहे थे। आज जो प्रबंधकीय और निरीक्षण कार्य होते हैं तब वे बहुत हद तक नहीं थे। प्रत्येक कार्यकर्ता चलाऊ तरीकों का प्रयोग करता था जो व्यापार में वर्षों के अनुभव द्वारा विकसित किए जाते थे। श्रमिकों से निरीक्षक उनको बता नहीं सकते थे कि वे अपने कार्य को किस प्रकार अधिक कुशलता से करें। वे केवल उन पर यह जोर डाल सकते थे कि वे अपनी सूझबूझ या पहल का प्रयोग करके अपने मालिक के लिए जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक लाभ कमाए। यही वह अव्यवस्था थी जिसके स्थान पर व्यवस्था स्थापित करने का यत्न टेलर ने किया और जो उनकी प्रबंधकीय विचारधारा का केंद्रीय विषय बने। उस समय जो व्यवस्था चल रही थी टेलर उनको बहुत ही विवेकहीन तथा कुशलताहीन मानते थे। वह यह महसूस करते थे कि ऐसे कार्यकर्ता भी जो कार्य करने के सर्वाधिक योग्य हैं उन लोगों की सहायता के बिना पूर्णतया नहीं समझ सकते जो उनके साथ या उनके ऊपर काम करते हैं। यही कारण है कि प्रबंधकीय वर्ग की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में उत्पादन कार्यशाला में कुशलता को बढ़ाने के लिए टेलर ने सुझाव दिया कि यदि काम पर जाया होने वाले समय को
कम किया जा सके तो बहुत लाभ हो सकता है। समय और गति अध्ययनों के द्वारा मानकों के आधार पर काम दर वेतन व्यवस्था पीस रेट वेज सिस्टम का समर्थन उन्होंने किया। उनका सुझाव था कि काम दर वेतन पीस रेट्स वेजेज श्रमिकों को प्रेरित करने में और अधिक लाभकारी है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष और तत्पर हैं। उनको वेतन योजना की अंतरात्मक काम दर वेतन व्यवस्था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का नाम दिया गया। उनका कहना था कि केवल प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को ही काम दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नियोजन तथा अन्य प्रबंधकीय कार्य जो पहले प्रायः श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं, विशेषज्ञों के द्वारा किए जाने चाहिए। प्रबंध संबंधी कार्यपालन से अलग रखा जाना चाहिए। टेलर तथा वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे कटु आलोचना मार्क्सवादियों ने की है। वे श्रम के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तथा श्रम का विवेकपूर्ण संगठन का उपहास उन लोगों ने उड़ाया है। उनका कहना है कि वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें मानविक क्रियाविधि का औद्योगिक यंत्रवाद के प्रति अपने आप को प्रमुख तौर पर मनोवैज्ञानिक ढंग से ढालना है। उनका विचार है कि यह तकनीकें अधिक कुशल औजार हैं ताकि पूंजीवादियों द्वारा श्रमिकों को और शोषण किया जा सके। वैज्ञानिक प्रबंधन की यद्यपि आलोचना की जाती है, यहाँ तक कि उस समय के प्रबंधक भी वैज्ञानिक विधि के आलोचक थे। उन्होंने व्यवहारिक नियमों पर उसकी टिप्पणियों को महत्व नहीं दिया। प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित टेलर के विचारों का प्रबंधकों ने विरोध किया। यह नोट करना रोचक है कि टेलर को कंपनी के प्रबंधकों से मतभेद के कारण मिडवले स्टील वर्क्स और बेथलहेम स्टील कंपनी से त्याग पत्र देना पड़ा। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के अन्य आलोचकों में ऑलिवर सेल्डन, मेरी पार्कर फॉलेट, एमपी फॉलेट, एल्टन मेओ, पीटर ड्रकर और अन्य शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन अव्यक्तिक है और मानवीय कारक को महत्व नहीं देता है। इस आलोचना के कारण औद्योगिक समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में कई प्रयोग हुए। मानव व्यवहार पर एल्टन मेओ और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययन ने टेलरिज्म को अस्वीकार किया। टेलर का दर्शन कि मनुष्य साधारणतया आलसी थे और कार्य से बचने की कोशिश करते थे की भी आलोचना है। टेलर की एक अन्य आलोचना है कि वह कार्य की संरचना उचित रूप से नहीं समझा। कार्य के सूक्ष्म विभाजन पर उसके बल देने की बहुत से आधारों पर आलोचना हुई। टेलर का प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप की आलोचना बहुत से व्यक्तियों द्वारा यह कहकर की गई थी कि इससे भ्रम उत्पन्न होगा जब एक कामगार को 8 पर्यवेक्षकों के नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा। कामगार 8 पर्यवेक्षकों को उन सभी पहलुओं से मैं संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसके बावजूद वैज्ञानिक प्रबंधन जो कि FW टेलर द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अवधारणा है, इसकी प्रासंगिकता है, इसके प्रासंगिकता के बारे में देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन ने कामगारों की समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से औद्योगिक संगठनों की सहायता की। इसी तरीके से टेलरिज्म उस देश में औद्योगिक संकट का समाधान के लिए इंग्लैंड तक फैला। साथ ही जब औद्योगिक अशांति हुई और बेरोजगारी बढ़ी, वैज्ञानिक प्रबंधन औद्योगिक संगठनों के बचाव के लिए आया। कोई भी विकासशील देश जैसे भारत, जो वैसे ही औद्योगिक अशांति का सामना कर रहा है, वैज्ञानिक प्रबंधन से पाठ सीख सकता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संगठनों की दक्षता सुधारना संभव है, जैसे कि यहाँ तक कि समाजवादी समाजों जैसे रूस ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों का स्वागत किया जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकसित किए गए हैं। अतः यह अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ध्यान में रखे बिना संगठनों के लिए टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रासंगिकता दर्शाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन पर उपयुक्त चर्चा दर्शाती है कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभिक औद्योगिक संगठनों की समस्याओं की प्रतिक्रिया दिखा रहा था। टेलरिज्म ने उद्योगों की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान दिया और वे वैज्ञानिक प्रबंधन से लाभान्वित हुए। टेलर को यह दृढ़ विश्वास था कि
किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। कार्य के प्रणालीबद्ध अध्ययन द्वारा सबसे अच्छा तरीका निकाला जा सकता है। टेलर ने बल दिया कि प्रबंधक वर्ग को संगठन में किए गए कार्य की बराबर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने अभी बल दिया कि कार्य निष्पादन के लिए सभी सही प्रकार का व्यक्ति चुना जाना चाहिए और उन्हें कार्य निष्पादन सुधारने में प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। कार्य के प्रणालीबद्ध अध्ययन के अलावा औजारों और प्रक्रिया का मानवीकरण आवश्यक है। कामगारों और प्रबंधक वर्ग के बीच पूरी समझदारी और सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें मजदूरी और लाभ में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उत्पादन वृद्धि को अधिक महत्व देना चाहिए। टेलर के विचारों ने कम उत्पादन की बुनियादी समस्याओं और श्रमिक समस्याओं को हल करने में औद्योगिक समाजों की सहायता की। टेलर के विचारों का वैज्ञानिक स्वरूप होने के कारण वे न केवल यूरोपीय देशों में फैले हैं बल्कि समाजवादी समाज जैसे रूस में भी फैले हैं। यदि इस कार्य कुशलता को प्रबंध और प्रशासन के प्राथमिक लक्ष्य स्वीकार जाने की दिशा में बहुत अधिक इस सिद्धांत ने योगदान दिया। इसके मूल्य और तरीके सरकार और लोक सेवा में सुधार के लिए आंदोलन के अनुकूल थे, जैसे सत्ता का केंद्रीकरण तथा जवाबदेही गुण या उपलब्धि, व्यवस्थाओं की स्थापना, पक्षपात की राजनीति से लोक प्रशासन को मुक्त कराना आदि। जिस अवधि यानी 1900 से 1930 यानी 20वीं सदी के प्रथम तीन दशक में सुधार आंदोलन सक्रिय रहा। वैज्ञानिक प्रबंध की धारणाओं को प्रशासकों तथा लोक प्रशासन के विद्यार्थियों ने विस्तृत तौर पर स्वीकार किया। यदि विशाल दृष्टिकोण से देखा जाए तो टेलर और उनके सहयोग का योगदान वास्तव में ऊंच कोटि का था, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध की कई विशेषताएं अस्थायी सिद्ध हुई हैं। धन्यवाद।